आज की वीडियो में मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी और मॉर्निंग का पूरा रूटीन शेयर करूंगी। ये क्लिप है 7:30 बजे की। कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा था कि कुछ दिखाई भी नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा मुझे मौत आ रही थी ये वीडियो बनाने में। लेकिन आपके इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट आ रखे थे कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि दी प्लीज़ विंटर ब्लॉग ला, और इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट। तो आप लोग मेरे लिए सब कुछ हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग कुछ बोलो और मैं बनाऊँ ना। इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। सबसे पहले तो मुझे उठने में ही मौत आती है, लेकिन 8:30 बजे तक उठ जाती हूँ। यहाँ ना इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है गाइस कि आप लोग सच में यकीन नहीं करोगे कि मुझे कुछ काम करने का भी दिल नहीं होता है, इतनी सर्दी हो रही है। तो मैं ना नींबू पानी वो वाला पीती हूँ सुबह उठकर, लेकिन आज मैंने आलस के मारे मैंने कहा चलो ठीक है नॉर्मल पानी ही पी लेते हैं, क्या होता है एक दिन का गैप करने से। उसके बाद मैंने ये अपना बिस्तर ठीक किया। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, अब ऑडियंस ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। उसके बाद मैं ये कम्बल ठीक करती हूँ एंड पूरा मतलब जो भी होता है काम निपटाती हूँ अपना। काफ़ी ज़्यादा काम होता है मुझे सुबह सुबह से, मुझे क्या ज़्यादातर लोगों को होता है ये काम। तो उसके बाद ना मैं समेटती हूँ सामान पूरा एंड झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाते हैं ना सुबह हम लोगों के यहाँ, ऐसा होता है कि झाड़ू लगाना चाहिए भले ही गंदा ना हो, लेकिन एक बार झाड़ू फेर देते हैं। एंड उसके बाद ना मैंने कहा आज हेयर वॉश करना है, तो मैंने कहा ऑयल लगा लेते हैं, तो मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ अभी तो फ़िलहाल। वैसे मुझे इस ऑयल के बारे में पता ही अच्छा नहीं होता है, लेकिन गाइस मेरे पास अभी कोई ऑयल नहीं है और इसको भी ख़त्म करना है, क्योंकि जब मैंने ये लिया था मुझे नहीं पता था, इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे, लेकिन मैंने कहा चलो ख़त्म कर ही लेते हैं। ये ऑयल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है हमारे हेयर के लिए, इसमें तरह तरह के केमिकल भी होते हैं, और आंवला ऑयल के नाम पे तो इसमें सिर्फ 10% आंवला है, उससे ज़्यादा तो इसमें केमिकल और फ्रेग्रेंस तरह तरह की भरी हुई है। लेकिन मैंने कहा ख़त्म तो करना ही है। उसके बाद मैंने बॉटल में भर लिया और उसको अच्छी तरीके से जड़ों में अप्लाई किया और मसाज करी। हमें कोई भी ऑयल अप्लाई करने से पहले मसाज करनी चाहिए, इससे बहुत ही अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हमारी हेयर ग्रोथ में फास्ट, हमारी हेयर ग्रोथ जो होती है ना फास्ट होने लगती है। इसलिए खूब अच्छी तरीके से मसाज करना है। एंड आप ना नहाने से 1 या 1.5 घंटा पहले ही ऑयल लगाना, इससे क्या होता है अच्छी तरीके से ऑयल जो होता है अब्सॉर्ब हो जाता है हमारे। तो मैंने कहा जब तक ऑयल अब्सॉर्ब हो रहा है मैं ये टॉवल वगैरह टांग देती हूँ और कपड़े टांग देती हूँ। ये फ़ोन हमें हाथ में पकड़ के मैंने शूट किया था, इसलिए हिल रहा है ये इतनी क्लिप। जब तक मैंने कहा चलो ऑयल अब्सॉर्ब हो ही रहा है, और पानी गर्म पे भी लगा दिया था, तो मैंने कहा कपड़े ही धो लेते हैं, कपड़े भी निकले हुए थे काफ़ी सारे इसलिए। तो कपड़े मैंने, ये वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट मोशन में आपको दिख रहा होगा इतनी जल्दी, लेकिन इतनी जल्दी होता नहीं है काम जितनी जल्दी वीडियो में दिखता है। तो आप देख सकते हैं धूप भी हल्की हल्की सी आ गई थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो यार धूप तो आई कम से कम। और उठते ही साथ में काम में लग जाती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा ये लगता है कि चलो अच्छा है ना एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है विंटर्स में। विंटर्स में क्योंकि ज़्यादातर लोग पड़े रहते हैं रजाई में, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जो खून होता है ना वो जाम पड़ सकता है। नहीं मतलब इतना वो नहीं होता है, लेकिन हाँ काम तो सर्दियों में करना चाहिए क्योंकि सर्दी के मारे हमारा खून जाम पड़ सकता है। एंड पूरा मैंने कपड़े धोए और इस तरीके से उधर पर टांग दिए, मतलब टांग टाइप के दिए। जब तक मैं मतलब नहा लूँगी ना तब तक उसमें से पानी पूरा निचोड़ जाएगा। उसके बाद मैंने ये हल्का हल्का सा, वैसे ये चप्पल आप लोगों को कैसी लग रही है, मेरे हस्बैंड की है मेरी नहीं है, मैं उनकी चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं उनका लोवर पहन लेती हूँ, उनकी शर्ट पहन लेती हूँ, उनकी सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ।
और चप्पल भी मैं ही पहने रहती हूँ उनकी ज़्यादातर। उसके बाद मैंने ये सारा काम निपटा लिया था एंड मैं नहाने के लिए चली गई, तो मैं डव सोप यूज़ करती हूँ। डव साबुन किस किस का फेवरेट है कमेंट में ज़रूर बताना, मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इतना अच्छा लगता है, इसकी मुझे खुशबू बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्स्चर है इस साबुन का, और जो झाग निकलता है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये सोप। उसके बाद बस मैंने जल्दी से नहा लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। उसके बाद धूप जितनी आई थी मैं छत पर चली गई थी नहाने के बाद, काफ़ी ज़्यादा जल्दी मैंने काम निपटा लिया था। ये क्लिप होगी शायद 9:30 बजे तक की या 10 बजे तक की। उसके बाद जो है मैं छत पर आई कपड़े फैलाने के लिए, तो ऑलरेडी कपड़े फैले हुए थे। मेरे बगल में जो रहती है, मैं रेंट पर रहती हूँ, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, तो एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही घर में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन सब एडजस्ट कर लेती हूँ बिकॉज़ ये लाइफ मैंने ही चुनी है। हम जो करते हैं ना वो हमारे आगे आता है। मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात तो नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे इंस्पायर मत होना। कभी भी लव मैरिज करना हो ना, तो किराए के मकान वाले से कभी शादी मत करना। वैसे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग मुझसे इंस्पायर हो। मुझसे कभी इंस्पायर मत होना, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे इंस्पायर मत होना, आपकी ज़िंदगी ख़राब भी हो सकती है। उसके बाद जो है मैं वैसे अपने घर वालों से आप लोगों को बहुत जल्द मिलाऊंगी। जब भी मैं झांसी जाऊंगी अपने मायके, तो मैं सबसे मिलाऊंगी, अपना घर दिखाऊंगी। वहाँ मेरा खुद का घर है और मेरे सबका खुद का ही घर है, मेरे ख़ानदान में भी। यहाँ पर वैसे सबका किराए से ही रहते हैं, सब मेरे ससुराल वाले एंड इनके जो समीर के रिश्तेदार हैं वो सब। और मैं पूरी स्टोरी आप लोगों को ना किसी और दिन बताऊंगी, मैं इतनी जल्दी नहीं बता सकती इतनी सी वीडियो में। मैं स्किन केयर की सिर्फ कहाँ पहुँच गई गाइस, स्किन केयर करना था मुझे। उसके बाद मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ, और जो है ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बॉडी लोशन है। वैसे मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, मुझे अमेज़ॉन पे मिला था, काफ़ी ज़्यादा सस्ता। लिंक चाहिए होगी तो कमेंट मतलब कर देना, तो मैं डाल दूँगी लिंक, फालतू में क्यों मेहनत करूँ। उसके बाद मैं ये 10 रुपीज़ वाली स्किन फ्रूट यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही, थोड़ी बहुत ही लगाती हूँ, ज़्यादा ही है ये। वैसे हमें धूप में कोल्ड क्रीम लगाकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें टैनिंग हो जाती है, लेकिन मैं अब अपना ख्याल ज़्यादा रखती नहीं हूँ, इसलिए मैं चलता यार, सनस्क्रीन नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल में, तो ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने यही लगा लिया। उसके बाद लिप्स भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रखे थे, तो मैंने वैसलीन लगा ली, तो ये वैसलीन ही मैं यूज़ करती हूँ अपने लिप्स पे। एंड आप ना काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपना हेयर केयर कैसे करती हो, तो मेरा हेयर केयर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, बस ऑयल लगाती हूँ, शैम्पू से धो लेती हूँ, कंडीशनर लगाती हूँ, बस हो गया। और बालों में भी इस तरीके से टॉवल लगाती हूँ, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना, एंड बस ज़्यादा कुछ नहीं रहता। मेरे पास सीरम होता नहीं है जब, तो मैं ऑयल लेती हूँ कोई सा भी, जो ऐसा ऑयल लेना लेकिन जो चिपचिपा ज़्यादा ऑयली ऑयली सा होता है ना, चिप चिप सा, वो मत लेना। सिंपल सा ऑयल लेना जो पतली सी कंसिस्टेंसी में हो, इस तरीके से ऊपर अप्लाई करना, जड़ों में मत करना क्योंकि हमने हेयर वॉश किया है ना अभी, इसलिए। उसके बाद हल्के हाथों से मैंने कंघी भी कर ली थी क्योंकि मेरे बाल जो है ना सूख चुके थे। बस हो गया हमारा स्किन केयर, तो अब मैं नीचे गई, तो मैं बाल्टी में मैंने सब कुछ रख लिया था। बहुत जल्द आपको ये ट्राईपॉड के ऊपर भी पूरी वीडियो मिल जाएगी, अभी मैं नहीं रिवील कर रही हूँ ज़्यादा इसको, क्योंकि मैंने इसको अभी न्यू परचेज़ किया है, अभी 1-2 दिन हुए हैं, इसको यूज़ करना भी मुझे ठीक से नहीं आता, जब मुझे आ जाएगा तो मैं बता दूँगी। उसके बाद मैं नीचे गई एंड मेरा ना चाय पीने का दिल हो रहा था अदरक वाली, तो मैंने अदरक वाली चाय बनाई, क्योंकि मैंने सुबह से उठ के आपके सामने कुछ खाया कुछ नहीं ना, इसलिए मैंने चाय पी अभी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, सिर्फ मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो 11 बजे मैंने चाय पी थी, मैं कब से उठी थी, उसके बाद मैं खाना खा लेती हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके बाय, लव यू ऑल।